अस्सलाम वालेकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चिकन टिक्का क्रीमी और मैक्रोनी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। टिक्का जो हम बनाएंगे वो हम क्रीमी बनाएंगे, उसके अंदर हम मैक्रोनी शामिल करेंगे। उसके लिए एक ब्रेस्ट लिए मैंने, उसको ये टिक्के की तरह मैंने काट लिए, प्लस से पीस बना लिए मैंने, और हाफ़ मैंने पैकेट मैक्रोनी का लिया है, ये मैक्रोनी मैंने लिए है, और हाफ़ कप मैंने ऑयल का लिया है, हाफ कप क्रीम का है, वन कप मैंने केचप लिए है, वन टीस्पून लहसुन पाउडर है, वन टीस्पून अदरक पाउडर है, और चार टीस्पून के करीब मैंने टिक्का मसाला लिया है, और हाफ मैंने टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर लिया है पिसा हुआ, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून नमक है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ये एक बॉल के अंदर मैंने चिकन डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है ये मैक्रोनी। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये बनती बहुत मज़ेदार है। अब इसके अंदर मैंने ये क्रीम लिए, क्रीम का ही मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, अदरक लहसुन का पाउडर जो पीसा हुआ होता है वो भी ले सकते हैं, मैंने पाउडर लिया, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं इसमें। ये टिक्का मसाला पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। ये आधे घंटे के करीब आप रख लें। अगर आप बच्चों ने जल्दी खाना है तो फिर आप इसको 10-15 मिनट में भी तैयार कर सकते हैं इसको, टिक्के को। ये देखें, अब मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया। 15 से 20 मिनट तक मैं इसको रखूँगी। पैन के अंदर मैंने पानी रखा हुआ था, 3 कप के करीब पानी रखा है। ये पानी गर्म हो रहा है और इसके अंदर अब मैं मैक्रोनी उबाल लूँगी। मैक्रोनी उबालने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ मेन बता दूँ कि मैक्रोनी उबालते वक्त आपने जब मैक्रोनी शामिल कर देनी है, जब मैक्रोनी पकने लगेगी इसमें 2 टीस्पून के करीब आपने ऑयल ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि ऑयल अगर आप लोग नहीं शामिल करेंगे तो मैक्रोनी एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगी और वो अच्छी नहीं आएगी इसके अंदर। ये क्या नाम लेते हैं, इसमें ज़रूर 2 टीस्पून के करीब आपने ऑयल शामिल करना है। मैं अभी ऑयल भी आपके सामने शामिल करती हूँ। मैंने 2 टीस्पून के करीब इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। हमारी मैक्रोनी अच्छे तरीके से उबल जाएगी तो हम इसको एक टोकरी के अंदर निकाल के इसका पानी ज़ाया कर देंगे। फिर हम इसको टिक्के मसाले को, हम इसको मैरिनेट किए हुए मसाले को उसका टिक्का बनाएंगे। ये चिकन मैरिनेट हो गया है, 15 से 20 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम इसको टिक्का बनाने लगे हैं। इसको मैंने ऑयल जो रखा हुआ था 4 टीस्पून के करीब, ये मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टिक्का जो मैरिनेट किया हुआ है ये मैं शामिल कर दूँ। अब हम इसको इसी तरह रख के हम इसको किसी चीज़ के साथ ढक देंगे ताकि अच्छे तरीके से चिकन हमारा पक जाए, फिर हम इसको दूसरी साइड पे कर देंगे। मैक्रोनी पक रही है, अभी मैक्रोनी अच्छे तरीके से हो जाएगी, फिर हम इसको टोकरी में डाल देंगे। देखिए टिक्का कितने अच्छे तरीके से हमारा पक गया, पक रहा है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए मसाला जो है बिल्कुल बोटियों के साथ लगा हुआ है, कितना अच्छा कलर भी और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। आप ज़रूर बना के बच्चों को दें, अपने मेहमानों को भी सर्व करें। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है और चिकन भी अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, गला हुआ होना चाहिए, देखिए गल गया चिकन। अब हम इसके अंदर केचप शामिल करेंगे। 1 कप जो केचप थी ये मैंने शामिल कर दी इसमें। अब हम इसको मिक्स करेंगे।
हम मैक्रोनीज के अंदर शामिल करेंगे। इसमें मैंने उसमें छोटा था फ्राई पैन, तो मैंने इसमें बड़े में डाल दिया इसको, क्योंकि मैक्रोनी भी हमारी उबली हुई है तो फिर वो छोटा था। तो देखो मसाला पकने लग गए और मैक्रोनी हमने उबाली भी, कितनी प्यारी कलर आया है। और बिल्कुल भी आपस में देखें, ये देखो इतनी मज़ेदार और ये टेस्टी बनती है। ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी। जब आप लोग मेरी रेसिपी देख लेते हैं तो प्लीज़, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, पहले देख लें फिर सब्सक्राइब करें। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो फिर आप ये देखिए, ये रेडी है हमारी मैक्रोनी। अब हम इसको डिशअप करते हैं। मज़ेदार किस्म की हमारी मैक्रोनी क्रीमी टिक्का तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।